जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण की, महाभारत नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी केवली मोक्षगामी भगवानों की, 22वें तीर्थंकर श्री नैमिनाथ भगवान की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री परम पूज्य शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञान दानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके अध्यापक गण, अभिभावक गण एवं सभी आगंतुक अतिथियों को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। आज का दिन बहुत ही बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा हो रहा है। सुनपुरा ग्राम में, उत्तर प्रदेश की नगरी में, हम सभी लोग एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं पांडव पुराण का स्वाध्याय पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। पहला अध्याय हमारा प्रारंभ हो चुका है। आचार्य शुभ चंद्र महाराज द्वारा रचित यह पांडव पुराण, जिसमें पांडवों के बारे में बहुत सारे उल्लेख हैं, इसके साथ ही यह ग्रंथ आपको पहले भी बताया है, वर्तमान समय में महाभारत के नाम से भी प्रचलित है। इसी नाम से टीवी सीरियल भी कई बार आ चुके हैं। जगत में प्रसिद्ध कथाएं आपने बहुत सुनी हैं, परंतु टीवी के माध्यम से, अन्य ग्रंथों के माध्यम से थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन किया गया है। मूल रूप से जो सत्य कथा है, जो वैराग्य का उपदेश देने वाली धर्म कथा है, वह महावीर भगवान के मुख से राजा श्रेणिक ने सुनी है, और वर्तमान काल में पूर्वाचार्यों ने उसको आगे आगे श्रुत परंपरा के माध्यम से अपने अनेक शिष्यों में बढ़ाया है। यह ग्रंथ उन्हीं प्राचीन पुराणों का आश्रय लेकर के आचार्य शुभ चंद्र महाराज ने बहुत ही सरल भाषा में हमारे समक्ष सारभूत रूप में प्रस्तुत किया है। पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी ने बहुत उपकार कर इस ग्रंथ की हिंदी टीका, जो वर्तमान में हमारे लिए इस उत्तर प्रदेश की नगरी में सर्वाधिक प्रचलित है, उस भाषा में हिंदी रूपांतरण किया है, तो उनका भी बहुत बहुत उपकार, साभार। आगे का स्वाध्याय प्रतिदिन की भांति हम लोग प्रारंभ करेंगे। उससे पहले, सबसे पहले सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बच्चों को ये लाइन भी याद हो गई है, सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। ये आप ही लोगों के लिए बच्चों लाइन, आप लोगों को बिना ऊधम मचाए, है ना, सावधानी पूर्वक सुनना है, ठीक है ना। बिल्कुल, कल तक हमने वर्णन पढ़ा था, बोर्ड के माध्यम से भी हमने कुछ कुछ सीखा था। हम भैया जी से आग्रह करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड एक बार पुनः, बोर्ड और चौक यहाँ पर ला करके रख देंगे, जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर फिर से कुछ ना कुछ आपको समझाते रहेंगे, ठीक है ना। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? सुनपुरा में। सुनपुरा में। सुनपुरा कहाँ है? मतलब यूपी में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है?
भारत कहाँ है, एशिया कहाँ है, और बीच में कुछ रह गया है, और कुछ रह गया, और कुछ रह गया, आर्य खंड में। ठीक है, हमें उल्टा चलना है ना, नीचे से ऊपर तक। हाँ, आर्य खंड में। आर्य खंड कहाँ है, भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र कहाँ है, जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप कहाँ है, जम्बूद्वीप कहाँ है, हाँ, ढाई द्वीप में। देखो इशारे की भाषा भी समझने लग गए, वेरी गुड। ढाई द्वीप कहाँ है, बिल्कुल ठीक, मध्य लोक में। मध्य लोक कहाँ है, तीन लोक में। तीन लोक कहाँ है, हाँ, अलोकाकाश के अंदर ब्रह्मांड। ऐसे चलना, धीरे धीरे बार बार याद दिलाएंगे तो एकदम पिक्चर। अभी ऐसी रखे रहें तो जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे, है ना। अब बैठ जाओ आप, ठीक है। स्मरण शक्ति बढ़ती है कि हम कहाँ रह रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि कितने बड़ी जगह पर से हम घूम फिर करके आए हैं, कितनी जगह पर हमारा जीव मरने के बाद में उत्पन्न हो सकता है, और पिछले कई भवों में अनादिकाल से हम तीन लोक में किस किस प्रकार से, कोई भी स्थान ऐसा नहीं रहा जहाँ पर हमारी उत्पत्ति नहीं हुई है। सारभूत सत्य है, और जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, कितने भी पुराण पढ़ेंगे, यह तीन लोग हर जगह वैसा का वैसा ही आएगा। इस जम्बूद्वीप के अंदर दक्षिण भाग में जो भरत क्षेत्र है, वह जम्बूद्वीप का कितना वा भाग है, थोड़ा सा मैडम जी बताएंगे। मैडम जी, भरत क्षेत्र, हाँ जी, कौन बताएगा? कल हमने बोर्ड पे समझाया था, बताइए अभिषेक भैया जी। भरत कौन बताएगा, इधर से कोई बोला था? चलो बोर्ड लेके खड़े हो जाओ, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, टेढ़ा कर। हाँ, भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का कितना भाग है? हाँ, 190। मंजू दीदी के लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। इसको कहते हैं सावधानतया श्रणवंतु, है ना, ठीक है। 190वां भाग है। कितना निकला था, कितना निकली थी संख्या, हमने पेन से बता भी दिया चौक से आपको, 526 सही, 6/19 योजन। आगे बोलो, योजन। योजन जैसे किलोमीटर होता है, मील होता है, ऐसी योजन उससे भी बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का 526 भई 6/19 भाग है। और एक क्षेत्र हमने देखा था, भरत क्षेत्र नीचे है, ठीक है, और उसके बाद विदेह क्षेत्र कहां पर है, यहां मध्य में, जम्बूद्वीप के बीच वाले भाग में। कितने भाग हैं विदेह क्षेत्र के, तो कौन बोला, ताली बजाओ बच्ची के लिए, देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, आप सड़े बच्चे बच्चों बड़ा बड़ों को फेल कर रही है, ताली बजाओ, ताली बजाने में भी शर्म आ रही है, प्रोत्साहन तो करो बच्चों का। हाँ, अनुमोदना से भी पुण्य बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। विदेह क्षेत्र दो भागों में है, कौन कौन से, इधर वाले कौन सी दिशा कहलाती है, पूरा, और इधर वाली पश्चिम। भैया जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने कान में धीरे से बोला। हाँ, पूरब और पश्चिम दो प्रकार से, ईस्ट माने पूरब और वेस्ट माने पश्चिम, दोनों में फिर से 8 और 8 विभाग हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 16 विधि क्षेत्र जम्बूद्वीप में रहते हैं। बीच में सुदर्शन मेरु यानी सुमेरु पर्वत होता है, वह 1 लाख योजन का खड़ा है, ऐसे चौक की तरह से, ऐसे चौक खड़ी है ना, ऐसे ये सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का खड़ा हुआ है, ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि बोर्ड भैया जी खड़ा लेकर के खड़े हैं, लेकिन जम्बूद्वीप ऐसे खड़ा
नहीं है। जब मुदीप कैसा है, लेटा हुआ, जैसे ये बोर्ड जब लिटा दिया जाएगा तो ऐसा है, जमीन सीधी है, ठीक है। कोई पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, किसी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रही है, सीधी है। गोल क्या है, जम्मू दीप गोल है, कोई ग्लोब की तरह से पृथ्वी गोल नहीं है। पेड़ का उदाहरण देके भी समझा सकते हैं। हाँ, गोल नहीं है पृथ्वी, गोल नहीं है, जम्मू दीप गोल है, समझे। ठीक है जी। उस जम्मू दीप में भरत क्षेत्र ऐसा है नीचे, उसके फिर हमने नीचे कल पढ़ा था दो नदियां होती हैं, इधर से एक गंगा नदी है, क्या लिखा है, गंगा, और ये सिंधु नदी, ये दो नदियां इस नीचे भरत क्षेत्र में बहती हैं, और भरत क्षेत्र के बीच में कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत है, विजयार पर्वत। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाओ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके याद होगा, बार बार रिवाइज करेंगे, अनादिकाल का ज्ञान है और उस ज्ञान के ऊपर बहुत सारा अनादिकाल से आवरण है, यानी पर्दा लगा हुआ है, एक आवरण हटता है दूसरा, एक रजाई फट जाती है तो दूसरी रजाई मंगा लेते हैं ना, एक कपड़े फट जाते हैं तो दूसरे वस्त्र मंगवा लेते हैं, तो एक आवरण चढ़ा हुआ है, जब बेकार हो जाता है दूसरा ओढ़ लेते हैं, उस कारण से जो अंदर की अंतरात्मा की सत्य अवस्था है वह जागृत नहीं हो पाती है, उसको जगाने के लिए पहले शुद्ध ज्ञान जरूरी है, अभी जो सुन सुन करके ज्ञान हो रहा है, बाद में प्रत्यक्ष रूप से आत्मा का सीधा ज्ञान हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको सारी जानकारी अपने आप पता चल जाएगी, फिर कभी भी भूलोगे नहीं, एक बार केवल ज्ञान हो गया, ठीक है ना। तो विजयार्थ पर्वत बीच में है और दाएं और बाएं से गंगा सिंधु नदियां हैं, इस कारण से भरत क्षेत्र के कितने विभाग हो गए, एक दो, बताओ कौन बताएगा, कौन बोला, हाँ क्या नाम बेटा तुम्हारा, महक के लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। भरत क्षेत्र के छह भाग हो गए, छह खंड हो गए, जो चक्रवर्ती राजा होते हैं वो उन छह खंडों के राजा कहलाते हैं, और जो अर्ध चक्रवर्ती होते हैं जैसे राजा श्री कृष्ण थे वो कितने भागों के राजा थे, तीन, कौन बोला, बहुत होशियार लोग हो गए मंजू दीदी, तीन, तो तीन कैसे, नीचे वाले तीन के राजा होते हैं श्री कृष्ण, नारायण, और अन्य कोई भी नारायण आते हैं, जैसे लक्ष्मण भी थे वो भी नारायण थे, वो भी नीचे वाले तीन के राजा थे, ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण थे तो लक्ष्मण कैसे बन जाएंगे, अरे मोदी जी से पहले दूसरे प्रधानमंत्री नहीं थे क्या, वो चले गए दूसरे आ गए उसी स्थान पर, स्थान वही रहता है, उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री दूसरा था अब दूसरा आ गया, एक काल में एक ही नारायण रहेगा, एक काल में श्री कृष्ण थे, उससे पहले के काल में उसी स्थान के राजा, जब भगवान राम का काल था तो कौन थे, श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण लक्ष्मण थे, भगवान राम के काल में तीन खंड के राजा कौन थे, लक्ष्मण जी वो नारायण थे, है ना, लक्ष्मण जी भी बड़े प्रतापी थे, अक्षात नारायण थे, है ना, मालूम है आपको। जब बाद में दूसरा काल आया तो उसी स्थान पर दूसरे राजा आ गए, श्री कृष्ण, तो ऐसे नारायण भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, एक समय में एक काल में एक ही रहते हैं, अगर एक समय में दो रहेंगे तो दोनों धक्का मुक्की करेंगे, तू हट के तू हट, मैं बैठूंगा, राजगद्दी तो एक ही है, गद्दी के लिए सीट के लिए लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, जब एक चला जाता है तो दूसरा आ जाता है, ठीक है ना। हाँ ना, नौ नारायण, नौ प्रति नारायण और नौ बलभद्र, नौ तिया सत्ताईस, पंचम काल में नहीं होते ना, एक अवसर्पणी काल में चतुर्थ काल जो रहा उसमें पूरे 63 शलाका पुरुष होंगे, 24 तीर्थंकर, और चक्रवर्ती कितने हैं, नौ ही नौ है ना सारी, 12 चक्रवर्ती हैं, 12 चक्रवर्ती, 24 और 12 कितने हो गए, 36, और 27 कितने हुए, किनो 36 और 27 कितनी संख्या हुई, 6 × 12 और 1 × 13, 1 × 3 = 3 = 6, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, राम जी कौन थे, वो बलभद्र थे, ठीक है। ऐसे ही
श्री कृष्ण के समय में बलभद्र कौन थे? बलराम जी, जो उनके भाई थे वो बलभद्र थे। ये सब महापुरुष कहलाते हैं, 63 महापुरुष, 63 सलाका पुरुष भी इनको कहते हैं। तो विधि क्षेत्र कहां पर है? जम्मू द्वीप में, दाएं और बाएं बीच में है, वहां से हमेशा मोक्ष होता रहता है। और बाकी जो हमारा क्षेत्र है आर्यखंड बीच वाला, नीचे से बीच वाला भरत क्षेत्र में 5 मलेच्छखंड हो गए, ऊपर के 3 मलेच्छखंड और नीचे के दाएं और बाएं 2 मलेच्छखंड, 5 मलेच्छखंड और 1 आर्यखंड। हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं? इस आर्यखंड में रह रहे हैं। भगवान महावीर कहाँ पे हुए थे? इसी आर्यखंड में हुए थे। भगवान राम कहाँ पर हुए थे? इसी आर्यखंड में हुए थे। श्री कृष्ण कहाँ पर हुए थे? इसी आर्यखंड में हुए थे। पांडव कहाँ पर हुए थे? बोलो, खुजा क्यों रहे हो? याद करने की कोशिश करे, खुजाने से याद आ जाता है। बंदर की तरह, बंदर खुजाता है ना ऐसे ऐसे करके तो याद आ जाता है। भैया जी भी बंदर की तरह हुए हैं, नीरज भैया जी, खुजाने से याद आ जाता है। आया अभी तक नहीं आया हैं? भूल गए? कौन बताएगा? पांडव कहाँ पर हुए थे? भरत क्षेत्र में। कहाँ पर हुए थे? आर्यखंड में, बिल्कुल ठीक। तो हम उसी की देखिए, अभी क्या है, वर्तमान में भारत में रह रहे हैं इस पर्याय की अपेक्षा से, इसलिए अरे यहाँ पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था, अरे मुगल आए थे, अरे अभी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी ये थे, अरे आज के यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अरे उत्तर प्रदेश के ये हैं वो है। तो जहाँ पर वर्तमान में आप रह रहे हो तो उसमें आपके पहले जो घटनाएं घटी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रुचि बन जाती है कि इस स्थान पर पहले कौन था, हमारे पिताजी कौन हैं, हमारे दादाजी कौन हैं, हमारे परदादाजी कौन थे, हमारी अम्मा जी कौन थी, इस मकान में पहले कौन रह रहा था। थोड़ी याददाश्त के नज़रिए से जहाँ पर अभी आप जन्म गए हो उस कारण से, उस विशेष पर्याय से आपको उनकी पुरानी बातें में रुचि ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हैं? और स्वयं की ही आत्मा पहले कहाँ पर थी उससे कोई मतलब नहीं होता। क्या पता सुअर की पर्याय से निकल करके आए हो, गधे की पर्याय से निकल करके आए हो, है ना, कुत्ते की पर्याय से निकल करके आए हो, देव की पर्याय से आए हो, नरक की पर्याय से आए हो, समझ रहे हैं? तो वह हम भूल जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए उसमें रुचि कम हो जाती है। हाँ, छखंड भरत क्षेत्र के अंदर, इसीलिए वर्तमान आचार्यों ने भी इस बात का ध्यान रखा कि आपकी रुचि किस दिशा में ज्यादा रहेगी, क्योंकि शुभ चंद्र आचार्य भी इसी आर्यखंड में जन्मे थे, कुंद कुंद स्वामी भी इसी आर्यखंड में जन्मे थे, जम्बू स्वामी भी इसी कार्यखंड में जन्मे थे, इसलिए उन्होंने भी आगे के काल के, क्योंकि ये ग्रंथ निकल करके विधि क्षेत्र में तो पहुंच नहीं जाएंगे, यहाँ के वहां की रुचि वहां के हिसाब से रहेगी लोगों की कि वहाँ पर कौन से तीर्थंकर हैं, इससे पहले कौन से थे, कौन से महापुरुष थे। अभी यहाँ पे हमारी रुचि यही है ना कि हम 100 साल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे पहले अंग्रेज थे, उनने ये किया, उनने वो किया, अभी 5 साल पहले ये राजा था, अब ये था, वो था, अब मोदी ये कर रहा है, उसने ये किया। यहाँ पर भी तो हम उसी चक्कर में लड़ रहे हैं, इसीलिए ज्ञान की दृष्टि से भी, सम्यक ज्ञान की दृष्टि से भी आचार्यों ने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि आपको इस स्थान पर जहां आप रह रहे हैं वहां पर कौन कौन से महापुरुषों ने जन्म लिया और कौन कौन से मुनि महाराजों ने क्या क्या कार्य किया, कैसे कैसे धर्म का उपदेश दिया, उस प्रकार से उस स्थान की घटना को आपको बताएंगे तो आपकी समझ में जल्दी आएगी अभी वर्तमान के हिसाब से। तो इसलिए पांडव कहाँ जन्मे थे? आर्यखंड में। अब खुजाने के बाद याद आ गया, देखो हाँ ट्यूबलाइट चालू हो गई। तो अब उसी आर्यखंड की कथा यहां पर आचार्य शुभचंद आचार्य ने समझाई कि इसी आर्यखंड में एक महावीर भगवान के नाम का जीव हुआ था। ठीक है, अब दोबारा से आपको बुलाएंगे, जब तक इसको चलो, जब मिटाने की कपड़ा दे देना, बस डस्टर है कपड़ा। नहीं, ऐरावत क्षेत्र भैया जी भी कंफ्यूज कर देते हैं, ऐरावत क्षेत्र यहाँ भैया जी ऊपर, जैसे भरत क्षेत्र है नीचे बिल्कुल वैसा ही ऊपर उत्तर दिशा में, ऊपर का मतलब ऊंचाई पे नहीं, उत्तर दिशा यानी कि इधर, अभी हम यहां से देखेंगे तो इस तरफ उत्तर है और इस तरफ
दक्षिण है, इस तरफ हमारा जहां मुख है वो पूरब है और पीछे पश्चिम है। तो ऐरावत क्षेत्र कहां पर है? इस बोर्ड को आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इधर। विदेह क्षेत्र भी हमसे उत्तर पूरब में है ना, हम इधर जाएंगे, उधर पूरब विदेह है और इधर पश्चिम विदेह है। और सुमेरु पर्वत कहां पर है? इधर उत्तर दिशा में, हम यहां पर है ना भैया जी, हम यहां से उत्तर दिशा में जाएंगे। तो हमारे यहां से उत्तर दिशा यहां पर है, यहां से नाक की सीट पकड़ लेना, 50,000 योजन चले जाना, क्योंकि यहां तक कितना है? 1,00,000 योजन है। तो ये कितना हो गया? 50,000 योजन हो गया। 1,00,000 योजन को हमने आपको बताया था 64 करोड़ किलोमीटर का 1,00,000 योजन होता है, कितने? 64 करोड़ का। तो 64 के आधे 32 करोड़ किलोमीटर आपको ऐसे जाना है, आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक मेरी ले जाना। यहाँ पे भैया जी कह रहे बाइक ले जाना इनकी, है ना, आराम से जाना। छह खंड यहाँ है, वही सेम छह खंड उस साइड। कहाँ पर है? ऐरावत क्षेत्र में। हाँ, ऐरावत क्षेत्र में सेम छह खंड है, सेम विजयात पर्वत। गंगा सिंधु नदी वहाँ भी बहती है? गंगा सिंधु नहीं है, वहां पर दूसरी नदी है, रोहित रोहितास्या गंगा सिंधु, ये नाम बोलते नहीं है जम नदी के, वो दूसरी नदियां हैं, जम्मू द्वीप की सारी नदियां है ना, इस प्रकार से जितनी भी सारी नदियां हैं 14 नदियां बहती हैं, है ना, दो इधर और बीच में अलग अलग, वो सारी नदियों के नाम आप रोज बोलते हो, कौन याद दिलाएगा बोलो, कौन मंत्र पढ़ता जल शुद्धि का बोलो? गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरी हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, रक्ता, हाँ, स्वर्ण रूपकला, रक्ता रक्तो, ये सब जम्मूद्वीप की नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो गंगा सिंधु नीचे ये वो दूसरी वाली हो, ओके, हाँ बिल्कुल चमक गया, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो चीज़ें याद रहेंगी हमेशा, थीम बनती जाएगी, अदरवाइज क्या होता, रट लिया, सुन लिया, भूल गए, क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, गायब हो गया। अच्छे से करें, अपना उद्देश्य तो आराम आराम से कराने का है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर वर्णन आया था कि भगवान महावीर के पिता का नाम कौन बताएगा? मैडम को याद है, मुस्कुरा रही है, बता रही है, बताओ भगवान महावीर के पिता का नाम? हाँ, राजा सिद्धार्थ। माता का नाम क्या क्या था? कह रहे क्या था? त्रिशला देवी, बिल्कुल ठीक, ताली बजाओ। त्रिशला देवी भगवान महावीर की माता थी, पिता थे सिद्धार्थ। और नगर का नाम क्या था? किस नगर में जन्मे थे? कुंडलपुर में जन्म लिया माँ त्रिशला जी अवतारी, हाँ वैशाली वाला कुंडल, कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था। कुबेर ने खूब सेवा करी, कुमारियां कितनी थी जिन्होंने माता की सेवा करी? 56। देखो एकाग्रचित्ता का प्रभाव, 56 कुमारियों का जुलूस निकालते हैं ना पंचकल्याणक में, इसीलिए निकालते हैं, ठीक है ना, 56 कुमारियां थी। उसके बाद माता ने स्वप्न कितने देखे थे? 16 स्वप्न, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ऐसे बच्चे एकाग्रचित्त होकर के पढ़ेंगे। 16 स्वप्न देखे थे, हमें भी याद नहीं है तो इसलिए हम भी देख देख करके रिवाइज कर लेते हैं, अपने लिए भी आपके लिए भी, एक एक करके रिपीट करेंगे। गजराज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, युगल मीन, मीन माने मछली होता है, कलश, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देवताओं का विमान, धरणेन्द्र का विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। निर्धूम अग्नि माने अग्नि है परंतु उसमें से धुआं नहीं निकल रहा, समझ गए। इस प्रकार से बच्चों को कल बोला था कि 16 स्वप्न के पेंटिंग बनाएंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। भगवान महावीर का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? चैत्र सुदी त्रयोदशी, सुदी माने शुक्ल पक्ष,
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी माने 13, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक तिथियां होती हैं। जो 15वीं तिथि होती है वह कृष्ण पक्ष में होती है अमावस्या। बोलो, कृष्ण पक्ष में जो 15 नंबर की तिथि होती है वो क्या होती है? अमावस्या होती है 15 नंबर वाली। और शुक्ल पक्ष में क्या होती है? पूर्णिमा। याद कैसे करेंगे? कृष्ण माने काला, काला रंग है ना, ब्लैक। अमावस्या क्या होती है? ब्लैक हो जाती है, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो अमावस्या के दिन पूर्णिमा नहीं आएगी, ठीक है। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? जब बिल्कुल चंद्रमा पूरा होता है, पूर्ण, पूर्ण से पूर्णिमा, पूरा होता है, पूरा पूरा गोल गोल। तो शुक्ल माने क्या होता है? सफेद, जैसे ये चौक सफेद है ना, शुक्ल माने श्वेत, शुक्ल। तो शुक्ल यानी कि बिल्कुल पूर्णिमा होगी उस दिन जब चंद्रमा पूरा होगा। अमावस्या माने ब्लैक होगा, अंधेरा होगा। तो वो कृष्ण माने काला। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या आएगी और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आएगी। कभी स्कूल में सिखाई थी? नहीं सिखाई थी ना, यहाँ सिखाई जा रही है, याद कर लेना। सफेद रात और काली रात, सफेद रात को बोला भैया ने पूर्णिमा और काली माने कृष्ण, रात माने अमावस्या। अब भूल जाएंगे कभी? नहीं भूलोगे ना बच्चों, हमेशा याद रखना। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा नहीं आएगी। याद हो गया? कृष्ण पक्ष के साथ 15वीं तिथि कभी भी पूर्णिमा नहीं होगी, क्रॉस। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कृष्ण तो काला होता है और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूरा होता है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष में कभी भी अमावस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। किसी कैलेंडर में आ जाए तो बता देना, ठीक करवा देना। पैथर का कुछ चमत्कार है, वो बता रहे थे। क्या है? कुछ ऐसा चमत्कार बता रहे थे, अमावस्या को सूरज वो पूरा होता है, ऐसा कुछ स्टोरी बता रहे थे वो पंडित जी। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो अनादि काल का रूल है वो रूल रूल ही रहेगा। कभी ग्रहण पड़ता है वो बात अलग होती है, जब राहु और केतु के कारण से ग्रहण पड़ जाता है वो बात अलग, ठीक है ना। चलिए, नाम क्या रखा गया भगवान महावीर का? इंद्र ने उनका सुमेरु पर्वत के पांडुक शिला पर ले जाकर जन्म अभिषेक किया। और क्या नाम रखा? वर्धमान नाम रखा। और कपड़े कौन लेकर के आया उनके? इंद्र। इंद्र जो है तीर्थंकर भगवानों के वस्त्र स्वर्ग से ही लेकर के आता है, वहीं से भोजन आता है उनका। वो यहाँ का अपने कितने बड़े राजा होने के बाद भी उनके माँ बाप बेचारे खाले एक गस्सा, खाले एक गस्सा, खाले नहीं कर पाते। वो तो अपने पुण्य से स्वर्ग से ही उनका दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्राप्त होते हैं, जितनी भी उनकी आयु रहती है 30 वर्ष की। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम कल का रिवीजन कर लिया, ऐसी करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय। 30 वर्ष की अवस्था तक भगवान घर पर ही रहे। कितने? 30 साल। कल्प वृक्षों से लेकर के आते हैं उनके लिए, उनके स्वयं के लिए कंठ से अमृत झरता है, ठीक है ना। 30 वर्ष तक भगवान महावीर अपने घर पर ही रहे। उसके पश्चात वैराग्य का निमित्त को पाकर वे विरक्त हो गए, समझे। क्योंकि शॉर्ट में कहानी चल रही है, बहुत लंबी कहानी नहीं है भगवान महावीर की। क्योंकि मुख्य पात्र कौन है? पांडव है। पांडवों की कहानी चलेगी, लेकिन किसने सुनाई, किसने लिखी, कब की कथा है, उसके लिए तो अपने को जानना पड़ेगा ना। तो भगवान महावीर कितने समय तक घर पे रहे? 30 साल तक भगवान महावीर अपने घर पे रहे। उसके बाद उन्हें निमित्त मिला और वे विरक्त हो गए। जैसे कल की कथा में हमने देखा था ना, सीमंदर स्वामी को, जो भगवान महावीर के काल में है, शाम की कक्षा बच्चों की चल रही थी ना, तो सीमंदर भगवान विरक्त कैसे हुए? बंदर बंदरिया का खेल देख करके। तो यहाँ पर ऐसे ही भगवान महावीर को भी वैराग्य हुआ,
उसके बाद भगवान जब विरक्त हो गए हैं यह जानकर पंचम स्वर्ग के लोकांतिक देव उनकी सेवा के लिए आ गए। कौन आता है जब भगवान वैराग्य को धारण करते हैं? पंचम स्वर्ग के देव आते हैं। सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल ऊपर 16 स्वर्ग प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यह सुमेरु पर्वत है तो यहाँ पे एक स्वर्ग इधर होगा, एक इधर होगा, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक, फिर एक, ऐसे करके 8 युगल कहलाते हैं। 8 जोड़े में 16 स्वर्ग होते हैं। एक बाल ही है, बाल है नहीं एक्चुअल में, इतनी गैप है, टच नहीं करते हैं स्वर्ग। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, बोलो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, कौन से नंबर पे आया ब्रह्म? 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे ब्रह्मोत्तर। तो 5वें नंबर का जो स्वर्ग है यानी कि तीसरी मंजिल पे, थर्ड फ्लोर पर, क्योंकि पहली फ्लोर पर सौधर्म ईशान, दूसरी फ्लोर पर सनत कुमार महेंद्र, तीसरी फ्लोर पर ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। तो ब्रह्म स्वर्ग नाम उसका क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर ब्रह्मचारी रहते हैं, फर्जी वाले ब्रह्मचारी नहीं, असली वाले। 8 में 16 स्वर्ग हो जाते हैं, सौधर्म ईशान, सनत कुमार महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते आगे जाते हैं, है ना। तो अभी ब्रह्म की बात चल रही है, 16 भी नाम याद करा देंगे आपको। ब्रह्म स्वर्ग की जो देव होते हैं उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्योंकि वे एक भवातारी होते हैं। देव पर्याय के बाद में एक जन्म उनका शेष बसता है और दोबारा से वे मनुष्य भव लेकर के अगले ही भव से मोक्ष को चले जाते हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करते। उस ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव निवास करते हैं। कौन से देव? लोकांतिक देव। उनका नाम लोकांतिक सार्थक है, कारण क्योंकि वह लोक का अंत करने वाले हैं। लोक अंत, उनका लोक का अंत बहुत जल्द होने वाला है, इस कारण से उनको क्या बोला? लोकांतिक देव। अगले भव से वे मोक्ष चले जाते, वहां पर स्त्रियां उन्हें परेशान नहीं करती हैं, इसलिए उनको बोला ब्रह्मचारी। वहां पर उनके पास देवियां नहीं होती हैं। वैसे 16 स्वर्ग तक देव देवियां दोनों रहते हैं, परंतु ये जो लोकांतिक देव होते हैं ये कुमारे होते हैं, आपके संकल्प भैया जी की तरह और अभिषेक भैया जी की तरह, बाकी के बच्चे अभी तक कुमारे हैं उनकी तरह, तो इसलिए ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो जब भगवान का तप कल्याणक होता है, तीर्थंकर भगवान का, उस समय वो आते हैं। वे देव ना जन्म कल्याणक में टाइम खराब करने आते, ना गर्भ कल्याणक में टाइम खराब करने आते, वो कब आते हैं? तप कल्याणक में, केवल जब वैराग्य होता है, क्योंकि वैराग्य होगा तभी केवल ज्ञान होगा, जब केवल ज्ञान होगा तभी मोक्ष होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? वैराग्य। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्वाध्याय है। जब पढ़ेंगे, जब बैठेंगे, तभी सीखेंगे, तभी अभ्यास कर पाएंगे, तभी सम्यक ज्ञान होगा। जब ही सम्यक ज्ञान होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों हो जाएंगे तभी सम्यक चारित्र हो सकता है। तो जब तीर्थंकर भगवान वैराग्य को धारण करते हैं तब यही देव आते हैं, बाकी के तो आते ही हैं, परंतु लोकांतिक देव अन्य काम धंधों पे टाइम खराब करने नहीं आते। वो कब आते हैं? तप कल्याणक के समय आते हैं। उन्होंने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी भूरी माने खूब स्तुति करी, किन्होंने? ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देवों ने। उसके बाद तप कल्याणक का महोत्सव मना करके वापस अपने स्वर्ग को चले गए और वहां अपनी साधना में
लीन हो गए, अपना वहीं पर साधना करते रहते हैं, ज़्यादा टाइम खराब कहीं नहीं करते, पढ़ते रहते हैं अपने पूर्व अवधि ज्ञान के माध्यम से, द्वादशांग को सुनते रहते हैं अपने ज्ञान में, उसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं। इसके बाद इंद्र आदि देवगण भी आए, इसके बाद कौन आए, इंद्र भी आए, वो बढ़िया से म्यूजिक बैंड बाजा बजा करके ढंग से उत्सव मनाते हैं। लोकांतिक देव अपने चावल चढ़ाए, अपने पुष्प मालाएं चढ़ाई और अपनी स्तुति करी, अपने अपने हिसाब से अपने अपने दिव्य फल लेकर के आते हैं अपने अपने स्वर्गों से, और भगवान की स्तुति अर्चना भक्ति करके चले जाते हैं। और इंद्र आदि देवगण भी आए, उन्होंने भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर पूजा स्तुति करी। किन्होंने, इंद्रों ने भी खूब जम के पार्टी करी, बढ़िया से है, भगवान का तप कल्याणक हुआ है। उस समय समस्त प्रजाजन ने भी उत्सव मनाया, जितनी भी प्रजा थी उस वैशाली नगर की, उस कुंडलपुर की, उस राजगिरी की, उन्होंने भी खूब भगवान के तप कल्याणक उत्सव मनाया। महावीर भगवान इस युग के पहले लोकतंत्र को बनाने वाले प्रधानमंत्री कहे गए हैं, उन्होंने ही ये लोकतंत्र की रचना करी कि हमारे जाने के बाद में राजा महाराजा पता नहीं कितने समय तक किस प्रकार से रहेंगे, तो किस प्रकार से पार्लियामेंट होनी चाहिए, मंत्रिमंडल होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसी वर्ण व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई। अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इस आर्यखंड से, इस भरत क्षेत्र से जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहां से होकर के गए हैं। प्रजाजन ने भी खूब उत्सव बनाया, इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र जो है भगवान का अभिषेक केवल जन्म कल्याणक पे नहीं करता है, अभिषेक भैया जी तब कल्याणक पे भी भगवान का अभिषेक करता है। राज्य अभिषेक अलग होता है, जब राज्य मिलता है, जब राजपाठ करेंगे उस समय राज्याभिषेक होता है, और तब कल्याणक पे भी अभिषेक होता है। दिव्य वस्त्र एवं आभूषण पहराए, ठीक है, दोबारा से आभूषण दिए जाते हैं तब कल्याणक पे भी, दिव्य वस्त्र, कोई बात नहीं, बाहर वर्षा होने के कारण स्थान परिवर्तन हो गया है, कोई बात नहीं। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि इंद्र भगवान का अभिषेक जन्म कल्याणक पे तो करता ही है, उसके बाद तप कल्याणक पे भी करता है, इसका प्रमाण यहाँ पर पांडव पुराण में आया है। उसके बाद भगवान की फिर से पूजा स्तुति करी, समझ रहे हैं? इंद्र ने क्या किया, पहले अभिषेक किया, अभिषेक के बाद में भगवान को दिव्य आभूषण एवं वस्त्र पहले पहनाए, है ना, उसके बाद पुनः उसकी पूजा स्तुति करी भगवान की। भगवान कौन से भगवान की बात हो रही है, महावीर भगवान की। महावीर भगवान को जब वैराग्य हुआ है उस समय लोकांतिक देव वहां पर आए हैं, उनके जाने के बाद में ब्रह्म स्वर्ग से जो लोकांतिक देव आए थे उसके बाद में इंद्र आदि देव आए, उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद में वस्त्र पहनाए, क्योंकि अभी दीक्षा संस्कार नहीं हुआ है। हाँ ठीक है ना, दीक्षा तो भगवान जाकर के पहाड़ पे लेंगे, वो भी देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद वस्त्र आभूषण पहनाने के बाद भगवान की फिर से पूजा स्तुति करी, भगवान के वैराग्यमय विचारों की अत्यधिक प्रशंसा करी। तत्पश्चात वे चंद्र प्रभा नामक पालकी में, पालकी का भी नाम है, अब वो पालकी में बिठा करके भगवान को ले जा रहा है, उस पालकी का क्या नाम है, चंद्र प्रभा, जो रंग बिरंगी कलशियों से सुशोभित थी। पालकी भी बहुत सुंदर है, 24 तीर्थंकरों की, अब वो ध्यान नहीं है भैया, पूछ रहे सबकी पालकी चंद्र प्रभा ही होती है क्या, हमें पता नहीं, कंफर्म नहीं है, देखो हो सकता है यही हो, किसी अन्य ग्रंथ में किसी अन्य भगवान का नाम आएगा तो उससे कंफर्म हो जाएगा, नोट्स बना लेंगे हम भी।
चंद्रप्रभा नाम की पालकी में भगवान महावीर को बिठाया, जो रंग बिरंगी कलशियों से सुशोभित थी। भगवान को विराजमान कर नगर के बाहर उद्यान में ले गए। अब नगर के बाहर एक बढ़िया से गार्डन में ले गए उस पालकी में देवता लोग। वहां पहुंचकर भगवान ने मिति अगहन बदी 10 के दिन। अब मिति अगहन क्या होता है भाई? बदी और सुदी तो भगवान ने बताया था, सुदी माने शुक्ल पक्ष, मिति मतलब तिथि, अगहन उसको बोलते आषाढ़ वगैरह, वो उसी का। हाँ, अगहन माने आषाढ़, भैया जी कह रहे हैं तो पहले ये नाम चला करते थे। मिति माने तिथि है और आषाढ़ बदी 10 यानी दसवीं, अगहन बदी माने हो गया कृष्ण पक्ष। सुदी शुक्ल पक्ष, बदी माने कृष्ण पक्ष। ठीक है, हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारी नॉलेज थोड़ी कम है। बदी माने लग्न पत्रिका में यही नाम आती है। अच्छा, लग्न पत्र। बदी माने क्या कह रहे भैया जी? कृष्ण पक्ष। और अगहन माने आषाढ़। ठीक है, बाकी और चेक कर लेंगे। आषाढ़ कृष्ण दसवीं के दिन हस्त नक्षत्र में भगवान ने जिन दीक्षा धारण कर ली, अब जाकर के उन्होंने वहां पर दीक्षा को ग्रहण किया है। उससे पहले तो पालकी वगैरह में इंद्र लेकर के जाता है। दीक्षा ग्रहण करते ही वे चार ज्ञान के धारी हो गए। देखिए तीर्थंकर भगवान का अर्थ से, जब तक कपड़े पहने हुए थे, सुन रहे हैं, जब तक वस्त्र के साथ में थे तब तक, सुने मैडम, भगवान को गर्भ समय से तीन ज्ञान रहते हैं, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान को स्वतः बस दिगंबर मुद्रा में आए, आते ही अपने आप मन है परे ज्ञान तुरंत हो जाता है। मन है परे ज्ञान क्या होता है कि मन में किसके क्या चल रहा है उसको भी जान लेना, है ना। वह मन है परे ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। हाँ, इसे भी याद है, बहुत सुंदर। क्या नाम बेटा? मोहित। कब सुना? पिछली कक्षा में सुना होगा। ऋजु मतलब पिछले स्वाध्याय में, ऋजुमति और विपुलमति। अरे साथ साथ बोला है आपके, छोटा सा बच्चा है, बहुत अच्छा। वे तीन ज्ञान, अच्छा इसमें भी लिखा हुआ है, वे तीन ज्ञात सहित तो पूर्व में ही थे, तीन ज्ञान तो उनको पहले से थे गर्भ के समय से, अब उन्हें मन परे ज्ञान भी उसी समय प्राप्त हो गया। तो प्रथमा नियोग में ये सारी तत्व की बातें भी बीच बीच में आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि खाली कहानी चल रही है, तो सारा ज्ञान आता है। तो प्रथमा नियोग से धीरे धीरे आराम आराम से अपन पढ़ते हैं, समझते समझते चीजों को पढ़ते हैं, तो बहुत सारा अन्य अनियोग का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता चला जाता है, है ना। वो टाइम देखने की वो दे देना हमें, ये रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्री वीर प्रभु ने समस्त दिशाओं में विहार किया। उसके बाद जब उनकी दीक्षा हो गई, अच्छा कमाल की बात ये होती है जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद वो टेप लगा लेते हैं, हाँ मुंह पे टेप लगा लेते हैं, यानी कि बोलना बंद कर देते हैं, मौन ले लेते हैं, फिर तो श्वेतांबरी बन जाएंगे, खोल बोलते नहीं है। कारण क्या है कि जब तक पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक अधूरे ज्ञान में प्रवचन नहीं देंगे। अब हम भी क्या है, अधूरे ज्ञान में बोल रहे हैं बैठ करके, मजबूरी है, अभी भगवान नहीं है, क्या करें। उस समय तो वह स्वयं भगवान बनने वाले होते हैं, इसीलिए अधूरे ज्ञान में आधी अधूरी बातें नहीं करते। बाकी के जितने भी विद्वान हैं वह सब आप आजकल वर्तमान में क्या स्वयं सिद्ध भगवान बन गए कि मैं भगवान हूँ, मैंने जो बोल दिया वही, मेरे से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। जो असली भगवान है वो क्या कहते हैं, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा अपनी आत्मा में तब तक हम बोलेंगे ही नहीं। सुनी सुनाई बातों से, मन परे से, अवधि ज्ञान से, क्योंकि उसकी एक सीमा होती है। मन परे ज्ञान 45 लाख योजन के बाहर नहीं सोच सकता, है ना। 45 लाख योजन की सीमा होती है मन परे ज्ञान की, उसके बाहर कोई जीव है उसके मन में क्या चल रहा है उसको नहीं जान पाएगा, उसका क्या कारण है,
क्योंकि मने परे ज्ञान केवल मनुष्यों को हो सकता है, दिगंबर मुनियों को हो सकता है, दिगंबर मुनि मनुष्य होते हैं, है ना। अवधि ज्ञान की अपनी सीमा होती है कि वो देवों को भी हो सकता है, परंतु उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के जो ऊपर ऊपर के देव हैं उनको ज्यादा होगा, रूपी पदार्थों को जानेगा अवधि ज्ञान, तो इसलिए वो भी अनंत ज्ञान नहीं है, उसकी भी एक सीमा है। कितने भवों को जान सकता है, कितने आगे के कितने पीछे के, अनंत भवों को अवधि ज्ञान भी नहीं जान सकता है। तो इसलिए केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को जगाना आवश्यक होता है तीर्थंकरों के लिए, उसके बाद ही वे प्रवचन देते हैं। श्री वीर प्रभु ने समस्त दिशाओं में विहार किया एवं 12 वर्ष तक घोर तप किया। 12 साल तक मौन रहे, 12 मिनट नहीं रह सकते अपन लोग, और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। जितना मिला उससे ज्यादा तो हमें प्राप्त हो गया, पढ़ने से ज्यादा ऐसे नहीं होता है। तो निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, और कुछ नहीं आता है तो बता देना चाहिए कि अभी हमें वो वाला ज्ञान नहीं हुआ है, अभी हम केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानी नहीं है। तो जितना हमारी स्मरण में है उतने के हिसाब से ये सॉल्यूशन है, ये समाधान है, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, आप अपने योग्यता के अनुसार उसको अपने विवेक के अनुसार करें। जबरदस्ती अपने कम ज्ञान को किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, इसमें भी दोष लग जाता है। ऐसे करना लो। 12 साल तक भगवान महावीर ने घोर तप किया। अब घोर तप कैसे करते हैं? घोर तप ऐसे नहीं करते कि अपने ऊपर आग लगा ली, एक टांग पर खड़े हो गए, उल्टे लटक गए, है ना। ध्यान लगाते हैं और आत्महत्या भी नहीं करते हैं कि जब भूख वगैरह लगती है अब देव खाना नहीं खिलाएंगे, एक बार दिगंबर मुनि बन गए अब स्वर्ग से कुछ नहीं आएगा, ना कपड़े आएंगे ना खाना आएगा, अब तो भैया मनुष्य लोग आहार लगाएंगे, अब नंबर लगता है, अब होगी कर्म, अब होगी कर्म, जिसके जिस श्रावक के पुण्य कर्म का उदय आएगा उसके घर में भगवान का आहार चौका लग पाएगा। भगवान को भूख भूख नहीं लगती है ऐसी कुछ, लेकिन वह श्रावकों के पुण्य से आहार के लिए जाते हैं, है ना, है। हाँ, उससे पहले कहीं आहार नहीं करते क्योंकि उनके न मल है न मूत्र है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। उनका जहां तहां विहार होता था वहां वहां के लोग भक्ति भाव के साथ प्रेरित होकर उत्साह के साथ उनकी पारणा कराते थे, यानी उनका आहार कराते थे। अब यहाँ पर वो चक्कर नहीं था कि उनको पता नहीं है, क्योंकि परंपरा चल रही थी। भगवान महावीर से पहले भी मुनि महाराज इत्यादि रहे थे, पार्श्वनाथ भगवान रहे थे, नैमिनाथ भगवान रहे थे। आदिनाथ के समय में क्योंकि बहुत काल निकल चुका था पूरा अवसर्पणी का, प्रथम भोग भूमि, द्वितीय भोग भूमि, तृतीय भोग भूमि, तो इस कारण से पहले तीर्थंकर थे तो वहाँ पर ज्ञान का अभाव था कि भगवान का आहार कैसे होता है, तो इसलिए 6 माह तक दिक्कत आई थी कि लोगों को पता ही नहीं था। परंतु यहाँ पर जब जब भगवान जहाँ जाते थे तो उनकी पारणा आहार हो जाता, तीर्थंकरों को वैसे अगर देखा जाए तो भूख की वेदना नहीं होती है, 1000 साल तक भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका शरीर ऐसा होता है। परंतु वे आहार क्यों लेते हैं? जिससे कि परंपरा शुरू करानी है। हम तो चले जाएंगे बाद में, और भी तो मुनि हैं उस संघ में, और भी तो मुनि महाराज हैं जो दीक्षा ले रहे हैं, उनका तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा? आर्यका भी दीक्षा लेती है, मुनि महाराज भी दीक्षा लेते हैं, तो उनका आहार कैसे होगा? इसलिए सिखाने के उद्देश्य से वह आहारचर्या के लिए निकलते हैं। आलस्य एवं विषय वासना से वे कोसों दूर थे, उनको किसी भी प्रकार का आलस नहीं आता था, ना ही किसी भी प्रकार के इंद्रियों के विषय वासना होती थी। अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, उससे बीच की घटना चल रही है। केवल ज्ञान के बाद तो आहार होता ही नहीं है, वहां तो चक्कर ही खत्म है, परंतु केवल ज्ञान से पहले और दीक्षा लेने के बाद आहार हो सकता है।
इस तरह वे विहार करते करते कालांतर में जरंभिका नामक एक ग्राम में पहुंचे। कौन से ग्राम में? जरंभिका। ये नया नाम है, प्रचलित नाम कम है तो थोड़ा याद कीजिए। बोलिए जरंभिका, जरंभिका, जरंभिका। ऐसे ग्राम में आए, जैसे अपना सुनपुरा ग्राम है ना, ऐसी जरंभिका नामक गांव में पहुंचे। उस ग्राम में बहने वाली नदी का नाम था रिजुकुला। क्या नाम था? रिजुकुला। बोलो रिजुकुला। उसके किनारे ताल वृक्षों का घना वन था। ताल के पेड़ होते ना, ताल साल, ताल ताल के पेड़ होते हैं, ताल ताल। रोहिता जी होते तो बता देते कौन सा होता है। ताल नाम के पेड़ थे उस नदी के पास में, बहुत सारे ताल वृक्ष। उसी वन में एक सुंदर शिला थी, एक बड़ी सुंदर शिला थी उस वन में, है ना। बस बस माने बस बस एक होता है बस, जो बस चलती है ना, बस और ट्रेन, एक होता है बस स्टॉप। तो यहां पे लिख दिया बस। बस उसी स्थान पर भगवान ने आसन जमा दिया और ध्यानस्थ हो गए। ठीक है ना, अब आप समझ गए होगे क्या करने वाले हैं। अरे वाह भगवान, ये जी के लिए तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। वैशाख सुदी दसवीं के दिन मध्यान्ह के समय हस्त नक्षत्र में भगवान छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए एवं अंतर मुहूर्त में 63 कर्म प्रकृतियों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये पढ़ाया नहीं जाता, ये भी याद करना है। भगवान को केवल ज्ञान कहां पर हुआ? जरंभिका नामक गांव में, रिजुकुला नाम की नदी के पास। पता ही नहीं आजकल लोगों को, कमाल है, ग्रंथ का आश्रय से बता रहे हैं हम तो। ग्रंथों में डिटेल आती तो लिखा है। हाँ, जरंभ याद करो आप लोग, शास्त्री लोग, हम भी याद कर रहे हैं, इसलिए 3 बार बोल रहे हैं। जरंभिका नामक गांव में, रिजुकुला नामक नदी के तट पर एक शिला के ऊपर आसन हो गए और भगवान को, कौन सी तिथि है? वैशाख सुदी दस। वैशाख सुदी माने शुक्ल पक्ष, दसवीं के दिन मध्यान्ह के समय, मोक्ष होता है वो दिवाली वाले दिन सुबह, अर्ली मॉर्निंग, वो मोक्ष है। एक केवल ज्ञान की बात आ रही है, तो केवल ज्ञान कैसे होता है? छपक श्रेणी, जो 14 गुण स्थान होते हैं ना, उसमें 13वें गुण स्थान में छपक श्रेणी होती है, तो वहां जाकर भगवान ने छपक श्रेणी को प्राप्त किया अपनी ध्यान मग्न अवस्था में, और अंतर मुहूर्त में यानी कि 48 मिनट तक फिर इतना कर्रा ध्यान लगा, इतना तगड़ा ध्यान लगा कि मन वचन गाय के योग को रोक दिया। उसे क्या बोलते हैं? समिति, है ना, मन वचन गाय के योग को रोक दिया। नहीं समिति नहीं, क्या बोलते हैं? एक होता है योग, एक होती है समिति, एक होती है गुप्ती। मन वचन काय के योग को रोक देना गुप्ती कहलाई देती है। तो इस प्रकार से 48 मिनट तक जब ध्यान लग जाए तो क्या होता है? चारों प्रकार के घातीय कर्मों का नाश हो जाता है और कर्म की 63 प्रकृतियां बताई हैं। जैसे 63 सलाका पुरुष होते हैं ना, ऐसे ही 63 कर्म की प्रकृतियां होती हैं, उनका नाश कर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जय बोलिए महावीर भगवान की। 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की। भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की। ऐसे तत्पश्चात वे वीर भगवान समग्र संसार में सत्य धर्म का उपदेश देते हुए विपुलाचल पर्वत पर पधारे। अब आए हैं विपुलाचल पर्वत पर। केवल ज्ञान कहां पर हुआ है? रिजुकुला नदी के तट पर, जरंभिका नामक ग्राम में।
ऐसे ग्राम को उन्होंने धन्य बना दिया। उसके बाद उससे पहले प्रवचन नहीं दिए थे, मौन थे 12 वर्ष तक। अब जा कर के अपना मुख खोलेंगे, मुख भी नहीं खोलेंगे, अब तो समूह शरण लगेगा, अब तो दिव्य ध्वनि निकलेगी, अब वे वीर भगवान, वो सन्मति भगवान, वो वर्धमान भगवान पूरे संसार में सत्य धर्म का उपदेश देते हुए, क्योंकि अभी अपनी आत्मा से जान लिया, अब सुनी सुनाई बातें आधे अधूरे ज्ञान से नहीं जान रहे हैं, केवल ज्ञान में 6 द्रव्य सभी तत्व सारे की सारे सबकी पिछली अनंत पर्यायों को सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से जान लेते हैं, स्वयं के भी पिछले भव को और अन्य सभी जीवों के सारे अगले पिछले भवों को जान लेते हैं। उसके बाद भगवान कहाँ पहुँचे, विपुलाचल पर्वत पर पधारे। उस समय उनका समोसरण इंद्र ने लगाया, कुबेर ने बनाया, समोसरण लगा इंद्र की आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा से छत्र चवर सिंहासन भामंडल, वो आरती में बोलते हैं छत्र चमल भामंडल धारी, ये तो प्रातिहार मनहारी, वो सब लगे, छत्र भी लगा, जैसे छत्र लगाए ना, चमर भी लगा, सिंहासन भी लगा, भामंडल भी लगा भगवान का, पुष्पों की वर्षा भी हुई, अशोक वृक्ष भी लगा, अशोक वृक्ष होता है उस समोसर में दिव्य अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि एवं अगणित दुंदुभि वाद्यों का शब्द, इन 8 प्रतिहारियों से भी वह समोसरण सुशोभित था। 8 कैसे, छत्र चमर दूसरा, सिंहासन फिर भामंडल, फिर पुष्पों की वर्षा, 5वां 6ठा अशोक वृक्ष, फिर दिव्य ध्वनि और अगणित दुंदुभि वाद्यों का शब्द, कमाल है। 8 प्रतिहार वहां पे लगे, दर्शकों के कोलाहल से दशों दिशाएं गूंज रही थीं, दशों दिशाएं 4 अपनी ये मेन मेन दिशाएं, 4 विदिशाएं और उपनिदिशाएं, हाँ, तो दशों दिशाएं दर्शकों के कोलाहल से गूंज गईं, देवों के प्रयास द्वारा लाए गए गौतम गढ़ धर्मी वहां पहुंच गए। कितने दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं निकली, कितने दिन तक, 66 दिन, हाँ काफी दिन तक नहीं हुई थी, है हाँ चेक करके बताना, कई दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, कारण क्योंकि कोई ट्रांसलेट करने वाला नहीं था, पब्लिक को समझ में ही नहीं आएगी, गढ़धर तो कोई है ही नहीं, तो गढ़धर कैसे बने, एक ब्राह्मण को पकड़ा, गौतम नाम के ब्राह्मण को देवों ने, क्षत्रिय नहीं थे, शूद्र भी नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे, ब्राह्मण थे, प्रकांड विद्वान वेदों के, उनको जा करके पकड़ा, भैया तुमसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है इस समय संसार में, लेकिन इतने घमंडी अपने धर्म में कि भाई ऐसे कैसे, खूब वाद विवाद हुआ, देवों ने क्रिया करी, ड्रामा किया कि ठीक है, वाद विवाद में हरा। उसके बाद देव लोग उसे लेकर के लेवा करके लाए भगवान महावीर के समोसरण में कि देखो भाई उनसे जा करके करेंगे, देखते हैं तुम्हारा गुरु कौन है। जब आप पहुंचे तो जब समोसरण देखा, जब भगवान को देखा, हे भगवान मैं तो ऐसे ही मिथ्या ज्ञान में अपना समय खराब कर रहा था, कोई वेदों के चक्कर में, कोई अन्य अन्य उस समय का जो ज्ञान होगा उसमें अपना समय खराब कर रहा था, ये तो साक्षात असली भगवान बैठे हैं, तो सारा उसका मान समाप्त हो गया और वहां जाकर के सब अपने धर्म कर्म को छोड़ करके दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली उस ब्राह्मण ने, गौतम ने, तो ऐसा वो भगवान का पहला गणधर बना उस गौतम गणधर के कारण। ये सारे ग्रंथ हैं उनकी, भगवान की वाणी जो जनता तक पहुंची, भगवान द्वारा कही गई, गणधर द्वारा रची गई या बताई गई और मुनियों द्वारा हमारे पास तक वर्तमान में पहुंची, तो ऐसा आगम कहलाता है। तो देवों के द्वारा लाए गए, साफ साफ लिखा, प्रयास किया, एफर्ट किया, अपने आप नहीं पहुंचे गौतम गणधर, तो अपने घमंड में अपने आश्रम में बैठे थे, निमित्त बनाया उन्होंने। कहने का तात्पर्य संक्षेप में केवल यही है कि उस समय की शोभा
अपूर्व थी। यहाँ पर बहुत डिटेल में सारी बातें नहीं बताई हैं, क्योंकि मुख्य पात्र कौन है, पांडव हैं, तो इसलिए शॉर्टकट में भगवान महावीर का जन्म भी हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया, और एक ही पेज में भगवान को केवल ज्ञान भी हो गया, और उसी एक ही लाइन में गौतम गढ़धर भी देवों द्वारा वहां पहुंचा दिए गए। ठीक है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। भगवान महावीर की कथा, पांडवों की कथा प्रारंभ करने से पहले चल रही है। भगवान महावीर को कुंडलपुर में जन्म लेने के बाद जरंभिका नामक गांव में, नदी कौन सी है, रिजू कुला नामक नदी के तट पर केवल ज्ञान हुआ है। विपुलाचल पर्वत पर भगवान का समोसरण लग चुका है, गौतम गढ़धर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आज के लिए इतना ही। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, गौतम गढ़धर स्वामी की। भगवान महावीर के समोसरण में विराजे सभी केवली भगवानों की, 22वें तीर्थंकर श्री नैमिनाथ भगवान की, उनके काल में मोक्ष गए सभी पांडवों युधिष्ठिर भीम इत्यादि एवं अन्य मोक्षगामी केवली भगवानों की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत की, आचार्य शुभचंद्र महाराज की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान महान मुनिराज श्री परम तपस्वी शांत सागर जी महाराज की, सभी बच्चों को, सभी बड़ों को, सबको सादर जय दू गणंदो।